जब आप डील से आएंगे फिर आपको भी होगा कि मैं दिहाड़ी लगाऊंगा और मैं पैसे बनाऊंगा, मैं अपने अकाउंट्स बनाऊं, मैं अपनी जायदादें बनाऊं और फिर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन इनका दिल ये है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से नाइल किया है बल्ले का निशान भी छीना जाए, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। सर ये बताइए आपकी ही चीजें क्यों चैलेंज होती हैं? और देखें ये चीज कोई पहली दफा नहीं हो रही किसी जमात के साथ। तो मेरे भाई अगर वो डील से आएंगे ठीक है जी, तो फिर उनके साथ यही असर होगा। आप बिल्कुल ना वो बानी है और ना वो पीटीआई के रहनुमा है, ना वो पीटीआई के मेंबर है। सब आप ठीक कह रहे हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआईएफ हो, सब जमातों में हमने देखा कि जो इंतखाब है वो बिला मुकाबला होता है या नाम निहाद जो वोटर्स हैं। जमानत के वक्त गुड टू सी यू कहा है इमरान खान को, नैब की रिमांड में से निकाल कर बाहर निकाल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुड टू सी यू कहा है। एक तरफ आप ये कहते हैं या आप ये समझते हैं, दूसरी तरफ जो एक परसेप्शन है नून लीग की जीत का उसके हवाले से आप ये समझते हैं कि वो काफी स्ट्रांग है, वो हकीकत के करीब है, तो वो जो सर्वेज हो रहे हैं वो क्या हकीकत पे मबनी नहीं है? या मुस्लिम लीग नून को ये अपनी हवा वो खुद तो बना नहीं सकते थे, थैंक्स टू बिलावल भुट्टो एंड थैंक्स टू पीटीआई। उनके इलेक्शंस को किसी ने चैलेंज नहीं किया और इनके कर दिया और इनके इलेक्शन को चैलेंज किया। अब अगर वो उनको चैलेंज करते हैं, सर ये बताइए आपकी ही चीजें क्यों चैलेंज होती हैं? और देखें ये चीज कोई पहली दफा नहीं हो रही किसी जमात के साथ। 1960 से लेकर अब तक सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है और पीटीआई से बल्ले के निशान को भी छीनने की कोशिश कर रहा है, इस पर पीटीआई के सीनियर वकील नईम हैदर पंचोता ने आज इलेक्शन कमीशन को ऐसा एक्सपोज किया कि मजा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। पंचोता साहब, आप लोग कहते हैं कि वोट इमरान खान का है तो बल्ले के निशान से इतनी उम्मीदें आप लोगों को क्यों हैं? अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता या कोई और निशान भी मिल जाता है तो वोट तो आपके लीडर को ही मिलेगा ना? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि बल्ले के निशान की अगर बात की जाए तो अगर इंटर पार्टीज इलेक्शन आप देखें 2022 के अंदर जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने आइन के मुताबिक करवाए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोनों नोटिस थे उनके अंदर ये जिक्र ही नहीं था कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अब देखें कि 71 डेज के बाद ये फैसला दिया गया जिसमें दागर के इंटर पार्टीज इलेक्शन करवाए जाए, हमने अब पूरा लीगल जो प्रोसेस है दोबारा वो फॉलो किया और बाकायदा तौर पर 29 तारीख को शेड्यूल दिया कि 2 तारीख को हमारे इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। अच्छा, 2 तारीख के हवाले से जगह जो है उसका भी तय किया गया था और आपने देखा कि हमारे पेजेस के ऊपर भी चली और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर भी चली और उसके साथ साथ हमने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि ये जगह है। अब कभी अकबर एस बाबर टाइप के लोग लेकर आ जाते हैं, कभी कोई पीटीआई के, यही फर्क है कि घर को आग लग गई, घर में चिराग से, यही फर्क है। तो सब एक सेकंड सर ये बताइए आपकी ही चीजें क्यों चैलेंज होती हैं? और देखें ये चीज कोई पहली दफा नहीं हो रही किसी जमात के साथ। याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलवार के नीचे थी, उनसे लिया गया तो तीर के निशान पर लड़ना पड़ा, मियां साहब ना अहल हुए थे तो उनके सेनेटर्स को आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो आपकी तो अपनी पार्टी के बानी जो रहनुमा थे उन्होंने चैलेंज किया ना, ये फर्क है जो अभी फिरदौस साहब अभी बता रही थी। बिल्कुल ना वो बानी है और ना वो पीटीआई के रहनुमा है, ना वो पीटीआई के मेंबर है। पीटीआई के मेंबर यहाँ की मोहब्बत अगर है तो मुझे बताएं कि 9 मई को वो कहाँ थे, कोई उन्होंने इमरान खान साहब की जो अगवा हुआ था उसके ऊपर कोई उनका स्टेटमेंट आया हो, खान साहब के ऊपर हमला हुआ कोई स्टेटमेंट आया हुआ, पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर्स के ऊपर जो आज तक हुआ गया, कहीं पर आपने देखा हो कि कहीं पर वो गए हो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये लोग प्लांट किए जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू बात कि अगर पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर कोई उस वक्त हुआ तो हम तो कभी भी इसको नहीं कहेंगे कि वो बड़ा दुरुस्त फैसला था और ना ही उस वक्त इमरान खान साहब की कोई हुकूमत थी, किसी और जमात के भी कोई इसी हवाले से इतराज हुआ। बात यह है कि इंटर पार्टी इलेक्शन की अगर चैलेंज की बात की जाए तो सिर्फ पूरे 1960 से लेकर अब तक सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इतराज आया है। अब आज मैं गौर साहब के साथ बैठा हुआ था और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बताएं कि हुआ क्या है जो अब इतराज लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये जी पेपर है, इतराज क्या लगा है कि साइन फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर हुए हैं या डेट यहाँ पर डाली हुई है तो थोड़ी सी डेट जो है ना वो इस जगह पर लिख दें, ये इतराज है। इस तरह के उन्होंने इतराज लगाए हैं तो मैं देख हैरान रह रहा था। उसने कहा कि हम उधर रिमूवर से करके वहां से हटाकर और डेट साहब आप हैरान तो हुए, लेकिन ये बताइए कि अब आके दौरान आपको क्या लगा कि अब ये सूरत हाल ये मामला किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो दरखास्त लेकर ये बैरूपिये गए हैं इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे जो ओछे हथकंडे करने वाले लोग हैं या जो बैरूपिये हैं उनको देखते हुए उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास तो इन्हें अदालत का इख्तियार ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक अदारा है और इमरान खान के खिलाफ इन्हें अदालत की कार्रवाई की जा रही है और जहां पर गलत दरखास्तें लोग लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी को एक जो है उसके ऊपर कर्दन लगाने के लिए बल्ले का निशान। अब क्या लग रहा है लेकिन बाइसनेस जो है ना वो बड़ी नजर, नतीजे जो है वो कबूल कर लेगा, बल्ले का निशान मिल जाएगा? देखिए बल्ले का निशान बिल्कुल मिलना चाहिए लेकिन इनका दिल ये है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से नायल किया है बल्ले का निशान भी छीना जाए, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, इमरान खान साहब की पार्टी को इलेक्शन से आउट किया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि ऐसे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर जो उन्होंने किया तो वो एक यकतरफा एक कार्रवाई है। दूसरी तरफ कार्पेट बिछाई जा रही है रेड कार्पेट
और यहाँ पर एक तरफ जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर ये खेल जा रहा है। ठीक है फिरदौस साहब, आप तमाम सियासी जमातों को ना अच्छी तरीके से समझती हैं, जिस राउंड में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो भी यहाँ सबको मालूम है, तो जिस तरह पीटीआई के हुए इसी तरह बाकी सियासी जमातों के भी हो रहे थे, तो फर्क क्या है आपके ख्याल में, इनको बल्ले का निशान अब नहीं मिल जाना चाहिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन? इसमें मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि एक सब खड़े थे और लोग वायलेट करते क्रॉस करते इशारा गुजरते जा रहे थे तो एक ने रुक के जो है वो पूछ लिया कि जनाब इशारा जो है वो बंद है तो मैं गुजर जाऊं, तुमने कहा नहीं तुम खड़े रहो, तुमने कहा कि आप वो तो सारे गुजर गए तो आपने मुझे क्यों रोका, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुझसे पूछा नहीं। तो आपको जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिन जमातों का आपने कहा आइडियल कंड्यूसिव किसी जमात का वो बिल्कुल था नहीं कि उन्होंने अपने ही बनाए हुए एसओपी को फॉलो किया, लेकिन मसला एक है कि उनके इलेक्शंस को किसी ने चैलेंज नहीं किया और इनके कर दिया और इनके इलेक्शन को चैलेंज किया। अब अगर वो उनको चैलेंज करती पीटीआई कर देती ना कि ये पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने एज पर द इलेक्शन कमीशन मैंडेट इलेक्शन नहीं कराए तो उनको भी आज कटहरे में खड़ा होना पड़ता साहब। तो जब वो आपने जहां चैलेंज होगा कानून को आवाज दी जाएगी तो कानून हरकत में आएगा और जहां कानून हरकत में आएगा अल्टीमेटली आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। सरवरदी साहब जैसे कि अभी पंजौता साहब भी कह रहे हैं कि किसी के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने आ सकते हैं वो भी वाजे हैं, तो आपके ख्याल में नून लीग के इलेक्शन जीतने और हुकूमत बनाने का जो एक परसेप्शन है आप समझते हैं कि वो स्ट्रांग है, आप समझते हैं वो हकीकत के करीब है, और क्या इसीलिए लगता है कि इस वक्त पीटीआई के पास फील्ड नहीं है या उनके हाथ बांधे हुए हैं? देखिए यकीनन इलेक्शन से पहले एक हवा बनती है और वो हवा वोटर के जहन पर बहुत असर करती है, जो पोल्स पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहते हैं फलां की हवा बन गई तो वो जीत गया, ये पूरी दुनिया के इंतखाबात में होती है। मुस्लिम लीग नून को ये अपनी हवा वो खुद तो बना नहीं सकते थे, थैंक्स टू बिलावल भुट्टो एंड थैंक्स टू पीटीआई शो में ये कह करके वो मुस्लिम लीग नून के लिए हवा बन रही है, हवा बन रही है, वो मुस्लिम लीग नून की हवा बनाई जा रहे हैं। जितनी बिलावल साहब ने मुस्लिम लीग नून के गुब्बारे में हवा भरी है, जितनी ये पंजौता साहब जैसे दोस्त भरते हैं रोज, इतनी तो मुस्लिम लीग नून खुद भी अपने गुब्बारे में हवा नहीं भर सकती थी जितने ये इनके लिए मुस्लिम लीग नून के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए ना वो बिलावल को जवाब देते हैं ना इनको जवाब देते हैं, क्योंकि उनकी राय है कि ये उनका काम कर रहे हैं और ये वोटर को समझा रहे हैं कि अगली बारी उनकी है। केसेस में रिलीफ मिल रहा है तो बात तो होगी ना। एक दिन में 20-20 जमानतें इमरान खान को भी मिली हैं, उससे हवा बन गई थी इमरान खान की, जमानत क्या रिलीफ है? 20-20 जमानतें रात 11 बजे तक अदालतों ने बैठ के जमानतें दी हैं इमरान खान को। गुड टू सी यू का है जमानत के वक्त, गुड टू सी यू का है इमरान खान को नैब की रिमांड में से निकाल कर बाहर निकाल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुड टू सी यू का है, जमानत क्या रिलीफ है? गेट पे इनके कराने पे सवाल उठा लेकिन बात वही थी। अब आपने खैर उसको क्लियर भी कर दिया है कि नून लीग के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो कितने मुख्तलिफ थे, और सोरवर्दी साहब आप ठीक कह रहे हैं, नून लीग हो पीपल्स पार्टी हो जेयूआईएफ हो सब जमातों में ही हमने देखा कि जो इंतखाब है वो बिला मुकाबला होता है या नाम निहाद जो वोटर्स हैं उनके जरिए ही किया जाता है। फर्क सिर्फ ये ना कि वो काबिल कबूल होते हैं, जैसे फिरदौस साहब ने भी कहा कि उनको कोई चैलेंज नहीं करता और इनके जो उस पर एतराज था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, अब आपको क्या लग रहा है कि निशान मिलेगा? जी इस जो इलेक्शन कराया है इस पर नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो वो रियायत होगी, वो गैर मामूली रियायत होगी इलेक्शन कमीशन की इनको निशान देना। कानून के मुताबिक जिस तरह के बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए गए हैं उसमें तो ये निशान नहीं मिल सकता, भी नहीं है ये निशान मिले बल्ले का तो ये क्यों नहीं चाहेंगे? अगर ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ट्रांसपेरेंट करा दें तो इन्हें क्या मसला है, इनको क्या खौफ है कि इन्होंने अगर अपने आईन में एक इलेक्शन का तरीकाकार लिखा है तो ये उसके मुताबिक करा दें, ट्रांसपेरेंट करा दें। मैंने कहा कि पीटीआई खुद भी नहीं चाहती कि बल्ले का निशान मिले, क्योंकि अगर बल्ले ये निशान मिलेगा तो ये वैसे भी इलेक्शन में हार जाएंगे, आपने कहा ना ये। मुझे लगता है कि ये मैंने कहा और मेरी ये राय है कि जिस तरह की इन्होंने इंट्रा पार्टी कराए हैं ये खुद इसको मुतनाज़े रखना चाहते हैं ताकि कल को चाची शहीद बन सके और कहें कि हमें तो निशान ही नहीं मिला है। एक तरफ आप ये कहते हैं या आप ये समझते हैं, दूसरी तरफ जो एक परसेप्शन है नून लीग की जीत का उसके हवाले से आप ये समझते हैं कि वो काफी स्ट्रांग है, वो हकीकत के करीब है, तो वो जो सर्वेज हो रहे हैं वो क्या हकीकत पे मबनी नहीं है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है जो रिजल्ट इन सर्वेज के आ रहे हैं? ट्विटर तो कोई पाकिस्तान के वोटर्स का तर्जुमान नहीं है। जोता साहब ये इमरान खान किस बुनियाद पर डील को मुस्तरद कर रहे हैं, चूंकि इसके लिए तो डील का होना जरूरी है ना, तो इस मौके पर खान साहब को कोई डील की ऑफर क्यों करेगा ये भी तो सवाल जहन में आता है। बहुत शुक्रिया पारस। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने हमेशा जब भी उनसे मुलाकात हुई मेरी जब खटक में उनसे मुलाकात हुई थी तो इस तरह की हवाएं उस वक्त कराई जा रही थी और इसलिए ये तसर दिया जा रहा था कि लोगों को लगे कि खान साहब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं
और वो किसी वक्त भी डील करके बाहर आएंगे या उनकी बातें चीतें हो रही हैं, तो उन्होंने तरदीद की। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात की जा रही थी कि उनको 2002 में जनाब नहीं आने दिया गया, 18 में उनको नहीं आने दिया गया, तो मेरे भाई अगर वो डील से आएंगे ठीक है जी, तो फिर उनके साथ यही असर होगा ना। आप जो है तरीकाकार जो है अवाम की ताकत से, अवाम के वोट से आए ना, आप डील वगैरह क्यों चूज करते हैं? जब आप डील से आएंगे फिर आपको भी होगा कि मैं दिहाड़ी लगाऊंगा और मैं पैसे बनाऊं, मैं अपने अकाउंट्स बनाऊं, मैं अपनी जदादें बनाऊं और फिर बाहर चला जाऊं और फिर बादशाह सलामत वहां से आए और फिर कार्पेट पे जाए जाएं, फिर ऐसे ही होगा। परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर लोग वोट देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। नवाज शरीफ साहब को मनसूबा लॉन्च कर दिया गया, फिर उसके बाद मरीम नवाज साहब उसको भी रद्द कर दिया गया। देखिए ये फैसला आप आवाम को करने दें, परफॉर्मेंस पे वो ज्यादा बेहतर जानेंगे। लेकिन मैं, चूंकि आपने मियां साहब का जिक्र किया, तो आप पैनमा आया, जीआईटी बनी, जीआईटी के जो उसमें लोग थे उनको एक मौजूद जज ने हीरा करार दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मियां साहब को सजा हुई, एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ, निगरान जज मुकर्रर हुए, मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज को 8 साल सजा सुनाई गई और पीटीआई ने खूब जश्न मनाया। अब उन्हीं केसेस में वो बरी हो रहे हैं, ये बताइए उस वक्त आप लोग क्या किसी, यानी कि पीटीआई किसी डर्टी गेम का हिस्सा बनी हुई थी? देखें पहली बात तो ये है कि अगर केसेस की बात की जाए तो मुझे बताएं कि कोई उन्होंने अभी तक भी रसीदें दी हों, जो उनके एसेट थे जब पहली दफा वो वजीर आजम बने उससे पहले कितने थे और आज अगर 1000 गुना ज्यादा हो गए हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड तो अपना देना चाहिए कि वो अपार्टमेंट कैसे बनाए हैं, वो जायदादें कैसे बनाई हैं, स्टील मिल का अगर कोई मामला है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, बजाय ये कि उधर से डील करें। और मैं बड़ा इसकी वादा करूंगा कि कभी भी किसी मुजरम को, हमेशा आपके प्रोग्राम के अंदर कहते रहे हैं, प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिली। और अगर गुड टू सी यू चीफ जस्टिस साहब ने कहा था उस वक्त, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आपके लिए ठीक थे जब अमरीका ने एक साजिश की थी और हुकूमत को गिराया गया था और इमरान खान साहब को हटाया गया, उस वक्त वो ठीक थे, और जब उन्होंने जाकर उन्हें गैर कानूनी अफवाह के ऊपर ये कहा कि रिलीज किया जाए तो फिर वो गलत हो गए। आप अपने जो है इदारों का देखें ना कि किस तरह उनको टूल बना के इस्तेमाल किया गया और उनको जिस मुकदमे में जमानत के लिए उन्होंने रजू किया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मुकदमा चल रहा है और इसमें सहाफी भी अब जा रहे हैं और समाज की कवरेज भी हो रही है, तो सुना कि वो समन कर दिया इमरान खान ने जनरल बाजवा को, आपके कहा है, तो आपके ख्याल में वो आएंगे एक माह में, इस केस का भी फैसला हो जाएगा? और अगर जनरल बाजवा आते हैं तो क्या इमरान खान के खिलाफ ही जाएगा या कुछ ऐसी बातें भी सामने आ सकती है कि कुछ इमरान खान के हाथ में चली जाए, जनरल बाजवा के खिलाफ चली जाए? मेरा नहीं ख्याल में, मेरे ख्याल में जनरल बाजवा आने को तैयार हैं, अगर जैक ब्रांच ने उन्हें इजाजत दी तो फिर वो आकर गवाही दे सकेंगे क्योंकि उन पर पाबंदी है, लेकिन अगर अदालत समन करेगी तो फिर जीएचक्यू भी नहीं रोक सकता। हैदर पंचोता ने बिल्कुल ठीक कहा कि 1960 से लेकर आज तक किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं किया। सब पार्टियों में सिलेक्टेड किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। पीटीआई ने साफ और शफाफ इलेक्शन कराए मगर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एतराजात लगाए और वो भी 70 दिन के बाद जब इलेक्शन सर पर आन पहुंचा है, अब कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। इससे इलेक्शन कमीशन की मकारियां साफ जाहिर होती हैं कि वो पीटीआई से बल्ले का निशान भी छीना चाहते हैं। नाज़रीन, आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।